भगवान सूर्य की उपासना के लोक पर छठ को लेकर उत्सव व उल्लास का वातावरण है। घर से लेकर घाट व बाजार तक में चहल पहल बढ़ गई है। प्रकृति को समर्पित इस पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन शुक्रवार यानी आज से नहाए खाए के साथ हुई। तैयारी पूरी है। छठ गीत वातावरण में गूंज रहे हैं। माहौल भक्ति से ओतप्रोत है। संगम में इसके लिए घाट बनाए जा रहे हैं। ट्रैक्टरों से जमीन को समतल किया जा रहा है। लाइटें लगाई जा रही है ताकि व्रती महिलाएं इस त्योहार को अच्छे ढंग से मना सके। आप देख रहे हैं कि लगभग 80% पूरी हो गई है। थोड़ा बहुत काम जो बचा हुआ है उसको किया जा रहा है। अब रही बात की जो अंदर पानी के अंदर दलदल है उसको लिए पहचान करके जो है उसको कराया जा रहा है ताकि वहाँ महिलाएं ना जाएं। और बाकी तैयारी हो चुकी है, लाइट वगैरह कल जल जाएंगी। कल से महापर्व शुरू हो रहा है। व्रतियों ने शुक्रवार को नहाए खाए के दिन नाखून काटने के बाद स्नान किया। इसके बाद भोजन के रूप में शुद्ध देशी घी से बने कद्दू भात का भोजन किया। बाजारों में खरीदारी भी शुरू हो गई। इधर पंचमी यानी शनिवार को खरना है। इस दिन व्रती आंशिक उपवास रहेंगे। दिन में व्रत रहने के उपरांत शाम को स्वच्छता से धुले स्थान पर चूल्हे को स्थापित कर अक्षत, धूप, दीप व सिंदूर से उसकी पूजा करेंगे। फिर प्रसाद के लिए रखे हुए आटे से रसियां रोटी बनेगी। चौके में ही खरना किया जाएगा। इसी के साथ छठ का महापर्व शुरू हो जाएगा। यह महापर्व सोमवार को उदयकालीन सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पूर्ण होगा। इस दिन रोटियां बनाने के बाद बचे हुए आटे से एक छोटी सी रोटी बनाकर रख लिया जाएगा, जिसे ओटक कहते हैं। सोमवार को इसी रोटी को खाकर व्रत तोड़े जाने की परंपरा है। आज नहा खाया जाता है। सुबह उठ के नहा के लोग दाल चावल और लौका की सब्जी बनती है। पूजा उजा करके गाय को खिला के हम लोग खाते हैं। उसके बाद से निकले हैं पूजा का सामान लेने, जिसमें दौरा, सूप, डलिया, नारियल आदि, अरुआ, सुतनी, फल वगैरह ये सब लिया जाता है। और कल जो है वो खरना होगा। खरना में हम लोग सुबह से ही सब सामान वान सब इकट्ठा होता है। शाम को फिर मिट्टी का चूल्हा बनता है और उस पर जो है खरना का सामान बनता है, खीर, रोटी, और उसका जो है नैवेद्य काट के असुर भगवान का नाम लेके पूजा किया जाता है। अर्घ दी पहला अर्घ वही होता है जो खरना को होता है। और उसके दूसरे दिन यानी कि रविवार को शाम को हम लोग गंगा जी जाएंगे, वहाँ छठ पूजा होगी। वहाँ सूर्य भगवान का अर्घ दिया जाएगा। जब वो डूबने लगते हैं उस समय अर्घ पड़ता है। और फिर सोमवार को जो है मंडे के दिन सुबह का अर्घ पड़ता है। और फिर जब हम लोग अर्घ वर्घ दे के वहाँ से आते हैं पूजा करके सूर्यदेव का, तब घर आके फिर अपने घर के देवता का पूजा करके और बड़ों का आशीर्वाद लेके हम लोग खाना वाना खाया, व्रत को तोड़ा जाता है। इसीलिए व्रत रखा जाता है। ये व्रत पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार सुख में शांति सुख रहे, ससुराल मायका सब अच्छे से रहे, बस भगवान का नाम लिया जाता है। ये छठ हम लोग को बिहार वासियों का प्रमुख त्यौहार है। ये छठ है बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए ज़्यादा किया जाता है। आज प्रथम दिन है, नहाए खाए का दिन है। आज हम लोग सुबह उठ के लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, चावल, दाल, अरहर की दाल की बनता है। हम लोग खाते पीते हैं, इसको खा के गाय को खिला के अपने खुद से खाया जाता है। फिर खा कर फिर इस दोपहर मतलब एकदम नहा धोवा के ये खाना बनता है, खूब अच्छे से बना के खाया जाता है। फिर उसके बाद आज हम लोग खरीदारी शॉपिंग जितना होगा सब कर लेंगे, करके रख देंगे। कल सुबह फिर हम लोग उठेंगे, फिर सारा दिन व्रत रहता है हम लोगों का। शाम को खीर जो खरना बोलते हैं उसमें खीर बनता है, गुड़ का, गुड़ और दूध में डाल के चावल का खीर बनता है। खीर बना के उसको रोटी बनता है, फिर उसको नेवज निकाला जाता है। जितने घर में मतलब पुत्र हो, जितने अर्घ दिया जाता है उतने का उसमें मतलब अर्घ दिया निकाल कर पूजा करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग रात में खा लेंगे, फिर उसके बाद पूरा रात भूखे रहेंगे। फिर दूसरे दिन हम लोग जो रात में ठेकुआ और नहीं होता है, ठेकुआ बनता है और मिठाई वगैरह बनता है, फल उल का सारा सामान खरीद के हम लोग अपने छठ घाटे के लिए तैयारी करते हैं। फिर तैयारी करके उसको दौरे में सजा के अपने घाट ले जाते हैं। पहला अर्घ जो शाम का होता है सूरज भगवान के यहाँ, जो गंगा किनारे जाते हैं। 3 दिन का व्रत होता है। हाँ, ये 3 दिन का व्रत होता है। फिर शाम को ले जाके वहाँ अर्घ देते हैं, फिर आते हैं हम लोग घर पे। ये किसके लिए रखा जाता है? पुत्र के लिए रखा जाता है, पति के लिए रखा जाता है, घर परिवार के लिए रखा जाता है। खरीदारी करने निकले हैं? यस। क्या क्या? हम लोग मिट्टी का बर्तन लिए हैं, दौरा लिए हैं, सूप लिए हैं, ये सब देखिए हम लोग खरीद के रखे हैं।